प्रिय मित्रों, तो दोस्तों आ चुके हैं फिर से इस तरह का वीडियो लेके जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड में बना सकते हो, जो कि नल समझ सकते हो। इस तरह का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप भी बनाना चाहते हो तो चलिए आज के इस वीडियो में इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। कुछ दिन पहले एक भाई ने इंस्टाग्राम पर क्या कहा था, भैया लव वीडियो। तो चलिए आज को है इस तरह का। तो दोस्तों बनाने के लिए आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपली एफ्टर मोशन को डाउनलोड कर देना, नहीं तो लाइट मोशन से भी बन सकता है। उसके लिए प्रोसेस पहले रहेगा क्या चीज़, तो पहले आपको इस तरह का पिक बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलिए चलते हैं उस वाले प्रोसेस में। तो उसके लिए आपको फिलहाल के लिए आपको पिंटरेस्ट से आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप कर लेना 3D एनिमेशन बॉय सेट पिक, कुछ भी टाइप करना, कुछ इस तरह का आपका पिक आ जाएगा। तो सारे को डाउनलोड कर लेना, जो भी आपका पसंद का है तो डाउनलोड कर लेना अपने पसंद से, तो कर लेना। उसके बाद चलिए प्रोसेस है बैकग्राउंड रिमूव करना। तो इसके लिए आपको फोटो रोम फिलहाल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो आपके पास अगर फोटो रोम होगा तो अच्छी प्रकार से कर लोगे वन क्लिक में। थोड़ा सा मेथड कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम फिलहाल के लिए फोटो रूम में अपना फोटो को ऐड कर लेते हैं स्टार्ट पे टैप करके ऐड। तो दोस्तों मेरा ये फोटो रहा, कुछ इस तरह से स्कैन करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करने के बाद आपका कुछ इस तरह से पिक बन जाएगा। उस यहाँ पे अब बहुत सारा फॉर्मेट देखने के लिए मिला ब्लैक एंड हमको थर्ड नंबर पे आना है ट्रांसपेरेंट। तो ये फोटो रोम आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, नहीं है तो आपको पास मतलब DM कर देना, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में इसको कुछ सेटिंग करेंगे, लेयर पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल पे टैप करते हैं, यहाँ पे शेडो पे टैप करते हैं, ये वाला शेडो को दे देते हैं। देने के बाद यहाँ पे शेयर वाला ऊपर पे कोने पे टैप करना, यहाँ पे देखो ऊपर फोटो रूम का यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन इस पर टैप करोगे तो यहाँ JPG होगा, वेब होगा, PNG होगा। हमको बैकग्राउंड रिमूव किए ट्रांसफॉर्म में किए तो PNG में हमको करना होगा, तो PNG आपको एक्सपोर्ट साइज मतलब सेट कर लेना, ध्यान पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना। सेव कर लोगे कुछ इस तरह का आपका सेव हो चुका होगा, सारा जितना भी पिक आपका सॉन्ग में होगा वो पिक को रिमूव कर लेना है। उसके बाद चलिए आप चलते हैं एडिटिंग के तरफ, कैसे बना सकते हो। प्लस पे टाइप करते हैं 9 issues वाला क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं, प्लस पे टाइप करके मीटअप जाके फिलहाल हम सॉन्ग को एड कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो है तो वीडियो को डाउनलोड करके स्टेक ऑडियो कर लेते हैं, वीडियो को डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेरा कुछ यहाँ तक मेरा सॉन्ग का लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इतना दूर जो था ये एनिमेशन था तो PNG वाला, तो इसमें टैप करके हम एक एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, वो भी बता देते हैं एनिमेशन किस तरह से बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम एनिमेशन ट्राई किए हैं, उसके बाद यहाँ पर स्किप कर देना, उसके बाद इसका कलर जो है शेडो इस तरह से दे देना है स्टॉक। ओके, ये हो चुका होगा। फिर से इसी को आपको फिलहाल इस पर टैप करना, एड इफेक्ट पर जाना, इस पर टैप करके आपको मतलब ड्राइंग एप सीट को सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेना है प्लस आइकन, उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन दे के ना कर लेना है। कुछ इस तरह से आपका एनिमेशन बन के अरे अब देखते हैं रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने के बाद इसको साइज छोटा कर लेना, और बहुत ज़्यादा साइज छोटा हो गया, इतना पर रखते हैं। ओके, ये हो गया, हो चुका है इस तरह से। इसका स्टॉक और कम कर देंगे, और दोनों का बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कम कर देंगे, इतना पे रखते हैं। हाँ ओके, ये हो चुका है। तो इसमें जाके हमको थोड़ा सा इतना रोटेट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। अब देखो कुछ इस तरह से मेरा एनिमेशन बन के रेडी हो गया। उस पर टाइप करते हैं, एड इफेक्ट पर जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोन को चूज करना होगा DJ, तो DJ फ़ोन को हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपको जो भी आइकन चेंज करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो हम फिलहाल के लिए इसका वाइट कलर देते हैं, पूरा सी बढ़ा देते हैं PTT। उसके बाद ये J लिखते हैं, H लिखते हैं, M लिखते हैं, N लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइकन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम फिलहाल के लिए एक आइकन को मतलब कुछ शॉर्ट है भैया कुछ भी हम टाइप करके देखते हैं को अच्छा आइकन लगे। तो मेरा कुछ ये वाला आइकन है तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको डॉट पे करना है, उसके बाद इसको आपको छोटा कर लेना है कुछ इतना पे। ओके, ये हो चुका है, इसको बीचों बीच सेट कर लेना है।
अब देखो कुछ इस तरह का मेरा आइकन हो चुका है, तो इसको एनिमेशन देना है। तो इसमें जाके नल का ऐड कर लेना है, और नल को ऐड करने के बाद तीनों लेयर को मर्ज कर देना है। उसके बाद जो आपको नल के प्रोसेस पे चलते हैं, कैसे नल को यूज कर सकते हो। तो इसमें हो गया। तो बहुत सारा भाई लोग कह रहे हो कि इस तरह का एनिमेशन तो काफ़ी ईजी मेथड में मिल जाता है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो, तो ये खुद से बना सकते हो। इस पर टाइप करते हैं, उसके बाद डॉट पे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, और फिर साइज पे जाते हैं, प्लस आइकन, यहाँ प्लस आइकन। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको इसको जूम आउट करना है। तो कुछ आपका इस तरह से एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा जूम है तो थोड़ा कम कर लेना इतना पे। हाँ, कुछ इस तरह से आपका जूम आउट हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट एडिटिंग इस तरह से हो जाएगा। तो हो जाएगा, चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में आपको प्लस पे टैप करना, मीडिया पे जाना, वीडियो पे जाना, उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड को ऐड सो के मेरा वीडियो ऐड हो गया। जाना इफेक्ट पे, उसके बाद अदर्स पे जाना। अदर्स पे जाने के बाद यहाँ पे चैनल RGB है, चैनल रेंडम, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अरे ये नहीं है, जिसमें चल जाना अदर पे। अदर पे जाने के बाद ये वाला इफेक्ट को सेलेक्ट करना, चैनल, इसको आपको इस तरह से कलर दे देना है जो देना चाहते हो, कुछ इस तरह से। कुछ सेटिंग मेरा ये है, आर आर रहेगा, जी का जी रहेगा, बी का बी रहेगा, ए में आपको बी कर लेना, बस हो जाएगा। आपको एन तक कर लेना है इस तरह से। ओके, ये हो चुका होगा इस तरह से। उसके बाद यानी इसको एडिट करना, प्लस पे टैप करना। उसके बाद जो आपको लिरिक्स एड करना है, तो यहाँ पर लिख लेना, हम कुछ भी लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे वाइट कलर। ओके, हो गया ये इस तरह से एनिमेशन। उसके बाद एक PNG ऐड किया है, जो PNG बनाए होंगे अभी तुरंत फास्ट में, तो हम फोटो रूम से बनाए थे। फिलहाल ये वाला PNG को रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखने के बाद इसको छोटा करते हैं इतना पे। ओके, ये हो चुका है। फिर से इस पर टैप करते हैं, एडिट पर जाते हैं, इसका मिटी मास्क की में चल जाना, उसके नहीं इसमें नहीं जाना, यहाँ पे ऑपोजिट वेलर रिंग जाना। उसके बाद यहाँ पे फेदर एक इफेक्ट होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना। इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा फेदर इस तरह से हो जाएगा, तो थोड़ा सा फेदर डाल देते हैं। हाँ, इतना पे ये फेदर हो चुका है। इस पर टैप करना, फिर इफेक्ट पे जाना, ड्राइंग एज में जाना। पहला जो इफेक्ट रहेगा आपको ग्लो, मतलब जो है क्या चीज़, इज ग्लो, सॉरी, इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसमें प्लस आइकन एक देते हैं, यहाँ भी देते हैं प्लस आइकन, और इसको हम कुछ इतना पे की आइकन दे देते हैं। ओके, फिर इफेक्ट पे जाना, ड्राइंग एज में जाना, उसके यहाँ पे एक इफेक्ट डीप ग्लो प्लस को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ आपका ग्लो इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, इतना पे देते हैं, और इसको हम कम करते हैं कुछ इस तरह से, तो रहने देते हैं। फिर इफेक्ट पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक ग्लो स्केल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको देखो यहाँ पे प्लस आइकन दे देना है, एक यहाँ पे प्लस आइकन दे देने के बाद आपको यहाँ पे जाके इस तरह से कर लेना है। तो अब देखो तुम्हारा इफेक्ट इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अगर अदरवाइज तुम अगर इसका इफेक्ट हम उल्टा करते हैं, तो कुछ एनिमेशन इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हो गया। फिर इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ब्लर पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन ब्लर को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ प्लस आइकन, यहाँ प्लस आइकन, इसको जीरो। ओके, तुम्हारा ये इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इफेक्ट हो गया है। पात्रा सॉन्ग लिरिक्स, तो लिरिक्स हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, उसके बाद ये लिरिक्स पे टैप करके आपको यहाँ पे फिर इफेक्ट पे जाना, डिस्टेंट ब्लर को सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इतना ऐसे रहेगा, प्लस आइकन, फिर इसमें जीरो। ओके, अब देखो कुछ मेरा इफेक्ट सॉन्ग का लिरिक्स इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी को डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट करने के बाद इसमें टैप करना नीचे वाला पे, नीचे का कलर ब्लैक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पर जाना, यहाँ पे चल जाना है, आपको लॉन्ग शेडो को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग शेडो को सेलेक्ट करने के बाद जो आपको इसका जो इफेक्ट है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और लॉन्ग शेडो पर जाके आपका जो है साइज फिलहाल के लिए कम कर दो इतना को। उसके बाद यहाँ पे अल्फा को बढ़ा देना है, उसके बाद यहाँ पे साइज को हम कम करते हैं इतना पे। ओके, इस तरह से आपका अल्फा को बढ़ा देना है, हो गया। एंगल आपको अपने अनुसार
रख लेना है। तो फिलहाल के लिए हम एंगल इस तरह से रखते हैं, इतना पे इस तरह से, और ये साइज बढ़ाते हैं, इतने पे रखते हैं। और इसको हम फिलहाल के लिए इस तरह से कर लेते हैं, और इसका जो शैडो है दे देते हैं, और ऊपर वाला में भी शैडो आपको दे देना है, इनेबल कर देना है। ओके, तुम्हारा इस तरह का एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसी को आपको डुप्लीकेट करके अगला लिरिक्स जहाँ तक है, तो फिलहाल के लिए मेरा यहाँ तक रहेगा लिरिक्स, तो हम यहाँ तक ले आते हैं। और सेकेंड लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पर टाइप करके पेस्ट कर देते हैं सेकेंड लिरिक्स हम। अरे यार, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। हो गया, इसमें जाके फ़ोन को अपना अनुसार का अलग फ़ोन को चूज कर लेना। तो जो भी मैं इस वाले वीडियो में फ़ोन को यूज किया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सब फ़ोन को मैं प्रोवाइड कर दिया जाता है, दे देता हूँ। तो हम फिलहाल के लिए कोई भी एक सिग्नेचर फ़ोन को ले लेते हैं, और ये वाला लेते हैं फिलहाल के लिए। तुम क्या लिखते हैं इस तरह से, वो कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, नीचे लेयर पे भी आते हैं, सेम फोन को चूज करते हैं, सेम लेयर को लिख लेते हैं। इस तरह से हो गया है, हो चुका है। इसी प्रोसेस से आपको जो है कॉपी करना है, इसको भी आपका यहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर लोगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे ले आओगे। और इसका जो कलर तुमको चेंज करना है, तो कलर आपको रेड भी दे सकते हो, कुछ इस तरह से दे दोगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी फ़ोन तुमको पसंद नहीं आ रहा है तो फ़ोन अपने अनुसार से चेंज कर लेना है। तो फिलहाल के लिए हम इस वाले फ़ोन को चूज करते हैं, ये वाला को। ओके, इस तरह के ये वाला फ़ोन करते हैं चूज। ओके, हो चुका है, इसमें भी जाके वही वाला फ़ोन को चूज कर लेते हैं। इसका जो है कुछ इतना भी ये दे देते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब इसी प्रोसेस जितना लिरिक्स होगा PNG बाय PNG को ऐड करना है। अगर आगे लिखना है, मान लेते हैं अगला लिरिक्स स्टार्ट होगा, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसके बाद यहाँ पे ये PNG है, तो PNG आपको अलग PNG को चेंज कर लेना है, जो भी आपका PNG होगा। तो फिलहाल के लिए मेरा ये वाला PNG था, ये वाला, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ग्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसको डीप ग्लो हम कम करते हैं, और इसका जो ईज ग्लो है इसको भी कम करते हैं, इसको इसमें डिक्रीज कर देना है, और इसको आपको यहाँ पे रख लेना है। बादरा फेदर फेदर को इस तरह से रख लेना है। तो आपको पिक के अनुसार मुताबिक सेटअप करना होता है, हर पिक में हर तरह का कलर होता है, तो इस वजह से आपको पिक के मुताबिक करना होगा। ओके, इस तरह से हो चुका है, इस तरह से हो चुका है। और पीक में बात रहा एनिमेशन, इस पर एक और जो कि जार की इफेक्ट है, इस पर टैप करते हैं। उसके यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव हिजिटी में जाते हैं, यहाँ पे एक और होगा, हाँ रेंडम, इसको सेलेक्ट करते हैं, रेंडम जार्क, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रेंडम जार को क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ मैग्नीट्यूड आपको इतना पर रख लेना। आप देखो मैग्नीट्यूड को और कम करते हैं, हो मैग्नीट्यूड कम करने के बाद कुछ इस तरह का मेरा इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है एंगल को आपको हम फिलहाल के 90 डिग्री लिखते हैं, तो कैसा रहता है। हाँ ओके, थोड़ा सा और हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं और स्पीड को हल्का बढ़ाते हैं, आप देखो और बढ़ाते हैं, देखो मैग्नीट्यूड कम में रखना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। अब इस तरह से तुम्हारा एनिमेशन बन गया है, कॉपी करना, उसके बाद लिरिक्स पे टैप करके पेस्ट कर देना, सब लिरिक्स पे ये वाला इफेक्ट कर देना है, तो हो गया। उसके बाद इसमें एक और नल ऐड करेंगे, अब फिलहाल के नल ऐड करेंगे, तो इस पे टाइप करके नल को ऐड कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, और इसको मर्ज कर देना है नल से, नल जो भी ऐड किए होंगे तो सारे को मर्ज कर दोगे कुछ इस तरह से नल से। तो हम फिलहाल के जिस तरह से कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये हो चुका है मर्ज, और इसमें थोड़ा सा एनिमेशन देंगे, और ये मेरा पिक यहाँ तक है, तो इसको हम सारे लेयर को यहाँ तक ले आते हैं, क्योंकि अच्छा बताएंगे तो ही कम चलेगा ना। तो इस पर टैप करते हैं, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाते हैं, प्लस आइकन, और एक यहाँ पे प्लस आइकन, इसको बाद इसको
हम फिलहाल के लिए राइट साइड ले जाते हैं। ओके, तुम्हारा एनिमेशन ऐड हो चुका है कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से एनिमेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से एंड तक लिख लेना, बाकी रहा मटेरियल एक्सएमएल v2kitag.in पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट लिंक रहता है टेलीग्राम ही चैनल पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं रहता, टेलीग्राम चैनल पे लिंक रहता है, तो डायरेक्ट लिंक के पोस्ट के माध्यम से जा सकते हो। तो फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में।